नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जाने बिहार में कब होगा मॉनसून का प्रवेश। के पाठक को भूमि राजस्व का जिम्मा सौंपना, सीएम का दूरगामी फैसला। प्रमिल, गंगा दशहरा पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। एडमिशन के लिए बढ़ाई गई विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन की डेट। पाक टीम में तीन गुट, बड़े बदलाव की तैयारी में पीसीबी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जाने बिहार में कब होगा मॉनसून का प्रवेश। हीट वेव और उमस भरी गर्मियों के बीच मौसम विभाग ने राहत देने वाली खबर जारी की है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा बिहार में मॉनसून के प्रवेश करने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में मॉनसून 20 जून को उत्तर पूर्वी भाग से होते हुए बिहार में प्रवेश करेगा। वहीं इसके एक दिन पहले यानी कि 19 जून के शाम से ही बादल छाने लगेंगे, जबकि 20 जून को पूरे बिहार में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं बारिश की वजह से प्रदेश में तापमान में कमी से लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलने की उम्मीद है। के पाठक को भूमि राजस्व का जिम्मा सौंपना, सीएम का दूरगामी फैसला। प्रमिल, हाल ही में के पाठक को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हटाकर उन्हें भूमि सुधार व राजस्व विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं अब श्री उग्र तारा न्यास उपाध्यक्ष सह जदयू नेता प्रमिल कुमार मिश्रा ने सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले को मुख्यमंत्री का दूरगामी फैसला बताया है। शनिवार को प्रमिल कुमार मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वहीं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से भूमि सुधार व राजस्व विभाग में पारदर्शिता आएगी और राज्य की जनता को कई बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। गंगा दशहरा पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। आज गंगा दशहरा के मौके पर भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ घाट पर गंगा नदी में बिहार और झारखंड के हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम, कहलगांव के बटेश्वर धाम और उत्तर वाहिनी गंगा के घाटों पर गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालु सुबह से ही डुबकी लगाते रहे। इन सभी स्थानों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है और लोग विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस पवित्र पर्व के मौके पर गंगा स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। वहीं इस बीच पटना से सटे बाढ़ के पास गंगा नदी में एक नाव के पलट जाने से नाव पर सवार 16 लोग डूबने लगे। न्यूज लिखे जाने तक उनमें से 11 लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए, वहीं 6 लोग अब भी लापता हैं। बाबा धाम से काशी विश्वनाथ धाम के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। संथाल परगना वासियों को सावन शुरू होने से पहले एक और सौगात मिलने जा रही है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। बाबा वैजनाथ धाम से काशी विश्वनाथ धाम के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। यह ट्रेन देवघर से खुलकर गया होते हुए बनारस जाएगी। संभावना है कि वंदे भारत ट्रेन का परिचालन सावन मास से पहले शुरू कर दिया जाए। मिली जानकारी के अनुसार इस वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ पीएम मोदी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस ट्रेन का समय और किराया निर्धारित नहीं है। वहीं परिचालन शुरू होने के बाद देवघर से बनारस के लिए यह पहली सीधी ट्रेन होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से पटना में चिड़ैया टार पुल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वजह है फ्लाईओवर में नजर आ रही यहां बनी इंटरसिटी एक्सप्रेस पटना आरा की तस्वीर, जो यहां से गुजरने वालों को ऐसा एहसास दिलाती है मानो बगल में रेल की पटरियों पर ट्रेन दौड़ रही हो। चिड़ैया टार पुल पर भारतीय रेलवे की तस्वीर नजर आ रही है और बनी तस्वीर में रेल के डिब्बों में कई सारे विंडो बनाए गए हैं और रेलगाड़ी की ही तरह इन खिड़कियों से यात्री बैठे नजर आ रहे हैं। एक खिड़की में एक लड़की नजर आ रही है जो बलून लेकर बैठी है, तो वहीं साथ ही उसके बगल में दूसरी खिड़की में एक बुजुर्ग यात्रा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक अन्य खिड़की में यात्री साइकिल को बाहर से टांगे हुए यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बखूबी से 3D पेंटिंग के माध्यम से दर्शाई गई है। एडमिशन के लिए बढ़ाई गई विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन की डेट। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा सरकारी विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर 10 जुलाई तक करने का आदेश दिया गया है। वहीं छात्रों को रजिस्ट्रेशन अब 25 जून तक होगा, जबकि 27 जून तक ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके बाद 29 जून से 10 जुलाई तक चयनित छात्रों का सत्यापन और विद्यालय में प्रवेश होगा। वहीं SCS के आदेश पर सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी को प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक उर्मिला कुमारी द्वारा पत्र भेज दिया गया है।
पटना से दुर्लभ प्रजाति के 164 कछुए हुए बरामद। DRI की टीम द्वारा पटना में कछुओं की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार शहर के मछुआ टोली इलाके के पास इसकी डिलीवरी की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही छापेमारी कर 3 बैग में रखे 164 पीस कछुए को बरामद किया गया। बरामद किए गए खेप में 2 अलग अलग प्रजातियों का कछुआ शामिल है, एक इंडियन टेंट टर्टल और दूसरा इंडियन रूफ टर्टल प्रजाति का कछुआ है। ये दोनों ही प्रजाति विलुप्त होते जा रहे हैं। वहीं एक महिला की भी मौके से गिरफ्तारी की गई है। DRI की टीम द्वारा महिला को कब्जे में लेकर लंबी पूछताछ की गई। वहीं पूछताछ के बाद जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार पकड़ी गई महिला का नाम रुखसाना है और ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से कछुआ लेकर चली थी और पटना के मछुआ टोली में डिलीवरी देने के लिए शनिवार की सुबह ही ट्रेन से पटना पहुंची थी। NEET PG के मॉक टेस्ट का लिंक जारी। NEET PG 2024 के लिए मॉक टेस्ट का लिंक राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ANB द्वारा जारी कर दिया गया है। NEET PG परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस मॉक टेस्ट की मदद से अब तक की अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। बता दें कि जिन भी उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है वो NDE.edu.in वेबसाइट पर जाकर NEET PG का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आवेदन संख्या और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके उम्मीदवार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि NEET PG 2024 की परीक्षा 23 जून को होनी है, जिसके लिए एडमिट कार्ड 18 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। साइबर फ्रॉड पर नकेल कसने स्पेशल थाना स्थापित। बिहार में साइबर फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए एक स्पेशल साइबर पुलिस टीम बनाई गई है। साइबर फ्रॉड जैसे मामलों को देखने के लिए एक स्पेशल थाना स्थापित किया गया है, जिनमें उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं काफी कोशिशों के बावजूद साइबर ठगी और इस तरह के क्राइम पर रोक नहीं लग पाया है। ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है, जहां CBI का स्पेशल अधिकारी बताकर साइबर अपराधियों ने दानापुर की एक युवती से करीब 6 लाख रुपए की ठगी की। युवती द्वारा रुपसपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिर से पुराने नंबर के साथ चलेगी पैसेंजर ट्रेन। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पहले जिस पैसेंजर ट्रेन का गाड़ी संख्या बदल दिया गया था, अब उसे वापस से पुराने नंबर से चलाने का निर्णय लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिन सवारी गाड़ियों का नंबर बदलकर नए नंबर से कोविड काल में स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित किया जा रहा था, उन सभी सवारी और मेमू ट्रेनों का नंबर एक बार फिर बदलते हुए पुराना नंबर ही जारी कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी पैसेंजर ट्रेनों का नंबर 1 जुलाई के बाद बदल दिया जाएगा। बता दें कि कोविड के समय सभी पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के पुराने नंबरों को बदलकर उनके जगह पर 0 से शुरू होने वाले अलग नंबर देकर स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया था। नेत्रहीनों के लिए पटना जू में लगेंगे ब्रेल साइनेज। नेत्रहीन दर्शकों को पटना जू में जल्द ही एक सौगात मिलने वाली है। दरअसल जानवरों के पिंजरे के सामने ब्रेल साइनेज लगाने का काम शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत हुलॉक गिब्बन के पिंजरे के बाहर लगाकर की गई। यहां सभी वन्य जीव जंतुओं की ब्रेल लिपि में पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी, जिससे दृष्टिबाधित और नेत्रहीन व्यक्ति भी आसानी से जानवरों की जानकारी ले सकेंगे और चिड़ियाघर का आनंद उठा सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक सिर्फ हुलॉक गिब्बन के पिंजरे के बाहर ब्रेल लिपि में साइनेज लगाया गया है, जबकि अन्य पिंजरों में लगाने के लिए साइनेज बनकर तैयार है और इसे 15 दिनों के अंदर सभी जानवरों के पिंजरों के पास लगाया जाएगा। खास अंदाज में रोहिणी आचार्य ने किया पिता को फादर्स डे विश। आज 16 जून को फादर्स डे मनाया जा रहा है। अपने पिता को सभी लोग फादर्स डे विश कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी खास अंदाज में फादर्स डे विश करते हुए फादर्स डे सेलिब्रेट किया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पिता लालू प्रसाद यादव के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए एक प्यारा पोस्ट लिखकर पिता को फादर्स डे विश किया। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, मेरे लिए आपके कंधों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है पापा। आपका प्यार वो सदैव आपसे मिलने वाला मार्गदर्शन मेरी सबसे शक्तिशाली नैतिक शक्ति है। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी का सरकार को तंज। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद से ही आपराधिक मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है, तो वहीं अब इसे लेकर विपक्ष राज्य में खराब हो रहे कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरने में लगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक पोस्ट के जरिए राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए राज्य के लोगों को सतर्क सचेत और सावधान रहने की नसीहत दे डाली है।
उन्होंने पिछले कुछ दिनों में पटना में हुए आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए लिखा कि बिहार में सरेआम सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा कहीं भी किसी को भी गोली मारी जा सकती है, चाकू और बंदूक दिखाकर कहीं भी लूटपाट की जा सकती है। साथ ही उन्होंने सरकार से सवाल किया कि 2005 के पहले की खराब व्यवस्था का रट्टा लगाने वाले अभी हो रहे अपराधों पर अपनी आंख क्यों बंद किए हैं। मुजफ्फरपुर बनेगा टेक्सटाइल्स हब, गिरिराज सिंह। शनिवार को केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर में बियाड़ा स्थित बैग क्लस्टर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बैग निर्माण में जुटी बबीता और रुचि से बात की और उनका अनुभव लिया। बैग क्लस्टर के कार्यों को देख कर केंद्रीय मंत्री ने खुशी जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर टेक्सटाइल का हब बनेगा, इसके लिए पटना के अलावा यहां भी बैठक किया गया है। उन्होंने कहा कि हैंडलूम और टेक्सटाइल के सचिव सहित सभी अधिकारी यहां काम देखने पहुंचे हैं। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि इस बार बिहार के 8 एनडीए सांसद मंत्री बने हैं, जो मिलकर बिहार का विकास करेंगे। अपने विभाग का रोड मैप बनाकर सभी मंत्री काम की शुरुआत करने वाले हैं। पाक टीम में 3 गुट, बड़े बदलाव की तैयारी में पीसीबी। टी20 विश्व कप से पाकिस्तान के जल्दी बाहर होने की वजह टीम के भीतर की गुटबाजी और वरिष्ठ खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण क्षणों में खराब प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं इस खराब प्रदर्शन के बाद टीम के साथ ही पीसीबी में भी बड़े बदलाव की आशंका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के सूत्रों के अनुसार बाबर आजम के कप्तान के रूप में वापसी में टीम को एकजुट करने की चुनौती सबसे बड़ी थी, लेकिन गुटबाजी की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके। वहीं कप्तानी गंवाने और जरूरत पड़ने पर बाबर द्वारा उनका समर्थन नहीं करने से शाहीन शाह अफरीदी नाराज हैं, जबकि कप्तानी के लिए विचार नहीं किए जाने से मोहम्मद रिजवान नाखुश हैं। टीम के सूत्रों ने बताया है कि टीम में 3 गुट हैं, एक का नेतृत्व बाबर आजम कर रहे हैं, जबकि दूसरे खेमे की अगुवाई अफरीदी और तीसरे की रिजवान कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, सुरभि सुमन, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, अंशु कुमारी, राकेश मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, राजकिशोर महतो, सरफराज नवाज, रवि कुमार, अनवर करीम खान, नौसाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज फादर्स डे के अवसर पर आप अपने पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।